हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे हम सब की फेवरेट सुपर डिलीशियस शाही गाजर हलवा, बिल्कुल ही अलग तरीके से एंड कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके बनाएंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल होमली एंड हेल्दी किचन। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो के लगभग में लाल कलर का गाजर, जिसे मैंने धो के अच्छे तरीके से छील लिया है और 2 टुकड़ों में से कट कर लिया है। अब ग्रेटर की मदद से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बॉईल करके भी बना सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने हर तरीके से ट्राई किया हुआ है, बट जो ग्रेट करके जो टेस्ट आता है ना हलवा का, वो किसी और तरीके से नहीं आता। मैंने इसे बॉईल करके भी बनाया हुआ है, ग्राइंड करके भी बनाया हुआ है, तो सारे गाजर को मैंने इसी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं 1 से 1.5 केजी के लगभग में मैंने दूध लिया था, जिसे मैं बॉईल करके अच्छे तरीके से रख ली हूँ। और यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, इलायची। अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम 3 से 4 चम्मच के लगभग में, बड़े चम्मच में मैंने घी डाला हुआ है। घी हमारी गर्म हो चुकी है, पिघल चुकी है। अब हमने जो ग्रेट करके गाजर रखा हुआ था वो हम डाल देंगे इसमें। यहाँ पे फ्लेम को आप हाई रखें, ये डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली हुई है, अगर आप लोहे की कढ़ाई यूज कर रहे हो या कोई और बर्तन यूज कर रहे हो, तो आप मीडियम हाई रखें फ्लेम को। आप अगर एकदम ही हाई पे बनाएंगे तो गाजर का हलवा चिपक भी सकता है और वो जल भी सकता है, तो इसलिए आप फ्लेम को मीडियम हाई में रखें। मैंने हाई इसलिए रखा है क्योंकि ये नॉन स्टिक है, तो ये जल्दी चिपकता नहीं है। तो ऐसे हम इसे ढक के कुछ देर तक पका लेंगे, 5 से 10 मिनट तक, ताकि गाजर हमारी 50% तक पक जाए और वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। हमें इतना पकाना है इसे। आप देख रहे हो, ये मैंने जो घी डाला था उसमें वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, मतलब 50% से पक गई है हमारी गाजर। अब इसी टाइम पे हमने जो दूध रखा हुआ था ना, मलाई वाला, वो डाल देंगे। यहाँ पे दूध का पूरा यूज नहीं करना है, मैंने हाफ डाला हुआ है दूध और हाफ मैं बचा के रखी हूँ। ये मैं बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। तो यहाँ हम अच्छे से इसे चला लेंगे और चला के हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे, और तब तक पकाना है जब तक दूध अच्छे से सूख नहीं जाता है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अभी भी दूध पूरा सूखा नहीं है। अब इस टाइम पे हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए फिर से हम ढक के इसे, जब तक हमारा पूरा दूध सूख नहीं जाता तब तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। अब लगभग में सारी दूध सूख चुकी है। अब इस टाइम पे हमने जितना भी ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ था वो डाल देंगे। काजू मैंने ग्राइंड करके डाला हुआ है और किशमिश, ये हमने पिस्ता भी क्रश करके डाल दिया है और यहाँ मैंने बादाम भी क्रश करके डाल दिया है। अब आइए हम चेक कर लेते हैं, वो जो मैंने हाफ दूध बचा के रखा था वो मैंने गैस फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसे मैं अच्छे तरीके से बॉईल करके सुखा लूंगी। इसकी मुझे रबड़ी बनानी है और ये क्यों बनानी है वो मैं आपको आगे वाले प्रोसेस में बताऊंगी। आइए अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दूध अच्छे तरीके से सूख चुका है हमारा। अब हम डालेंगे यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है हमारा कंडेंस्ड मिल्क। इसे हम डाल लेंगे, ये 200 ग्राम के लगभग में मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया हुआ है
और ये स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क है, और अच्छे तरीके से हम चला लेंगे इससे, और इससे जो टेस्ट आती है ना दोस्तों, ये गाजर के हलवे में ना चार चांद लगा देता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप जरूर ट्राई करें। अब जो हमने दूध चढ़ाया हुआ था वो चेक कर लेते हैं। दूध यहाँ पे सूख के बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है, रबड़ी तैयार हो चुकी है हमारी, तो इसे साइड में रख देंगे। अब आइए हम चेक कर लेते हैं, हलवा भी हमारा लगभग में दूध पूरा सूख चुका है। अब इस टाइम पे हम हाफ कप इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी मैं इसलिए यहाँ पे कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो कंडेंस्ड मिल्क यूज किया हुआ था वो ऑलरेडी स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क था, तो इसलिए मैं चीनी हाफ कप यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें, अगर आप अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रहे हो या फिर आप जो दूध यूज कर रहे हो उसमें चीनी नहीं है पहले से, तो आप इसमें 1 से 1.5 कप चीनी का यूज कर सकते हो। और फिर हम इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे से हमारी जो घी है वो साइड साइड कढ़ाई छोड़ने लग गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी प्रेजेंट करके गाजर का हलवा। आप ये जो देख रहे हो ये सिंपल तरीके से मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, ये तो हम सबको पता है। और दूसरा तरीका जो हमने रबड़ी तैयार किया हुआ था उसको इसके ऊपर से फैलाते हुए लगा लेंगे चारों तरफ से, और इसके ऊपर से मैंने पिस्ते से गार्निश कर दिया है। तो ये हमारा शाही गाजर का हलवा बनके रेडी है बिल्कुल। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है दोस्तों, आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें। तो आप इस तरीके से बनाएं, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करें, और मुझे बना के कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे वीडियोस को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।